केंजली हल्द्वानी रेंज से होता हुआ तराई पूर्वे के झुमका बगार बच्ची धर्मा हल्दूचौंड गांव में पहुंचकर कई बीघा गन्ने की फसल को तबाह कर चुका है। इतना ही नहीं, हाथियों का झुंड ने बच्ची धर्मा स्थित कई किसानों की फसलों को नुकसान भी पहुंचाया। धर पीड़ित किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है, जिस पर बीजेपी नेता कमल मुनी जोशी ने कहा है कि लगातार हाथियों का झुंड फसलों को तबाह कर रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द वन विभाग द्वारा हाथियों को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो उनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की ही होगी। आ गया, लोगों ने यहाँ जान बचा के भागे हैं, किसी भी प्रकार से सारी चीज ऐसा यहाँ जानकारी जैसे मिली मैं तुरंत यहाँ आया हूँ और अधिकारी कोई नहीं सुन रहा है। और मैं इन लोगों को बताना चाहता हूँ कि अधिकारियों को सुनना पड़ेगा, कोई भी जनता का कोई भी व्यक्ति अगर फोन करेगा उस अधिकारी को सुनना पड़ेगा। आज रेंजर वगैरह आने वाले हैं और ये अधिकारी जो एक दूसरे अधिकारियों पर बात को डालने का प्रयास कर रहे हैं वो हम किसी भी अधिकारी को नहीं करने देंगे, क्योंकि जनता के हित में जो काम होगा उस काम को हम करवाएंगे। और उसके लिए अगर हमको संघर्ष भी करना पड़ेगा, यहाँ से जाना भी पड़ेगा, जो इलाज करना पड़ेगा हम उस इलाज के लिए जो है बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार रहेंगे।